1918 को मेजर पीरू सिंह शेखावत का जन्म राजस्थान में हुआ था। देश की स्वतंत्रता के बाद 1947 में उन्होंने भारतीय सेना की 6 राजपूताना राइफल्स का हिस्सा रहते हुए भारत पाकिस्तान युद्ध में भाग लिया। लड़ाई के दौरान पीरू सिंह जिस कंपनी में थे उसे जम्मू कश्मीर के तिथवाल में एक पाकिस्तानी चौकी पर कब्जा करने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। लेकिन ये इतना आसान नहीं था। लड़ाई के दौरान कई जवान बलिदानी हो गए और कई घायल हो चुके थे, जिसके बाद पीरू सिंह अकेले रह गए। बावजूद इसके उनके हौसलों में कोई कमी नहीं आई और वे दुश्मन की चौकी पर अकेले ही ग्रेनेड से हमला करते रहे। इस दौरान दुश्मन के फेंके हुए ग्रेनेड से उनका चेहरा काफी जख्मी हो चुका था। मेजर पीरू सिंह शेखावत ने जख्मी हालत में भी 6 पाकिस्तानियों को मारा और 2 पाकिस्तानी पोस्ट पर कब्जा भी कर लिया, लेकिन तीसरी पोस्ट की तरफ आगे बढ़ते हुए उन्हें सिर में गोली लगी और वे युद्ध भूमि में ही बलिदानी हो गए। मेजर पीरू सिंह शेखावत के अदम्य साहस और वीरता के लिए उन्हें मरणोपरांत 1952 में परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। विराजपुताना राइफल्स में परमवीर चक्र प्राप्त करने वाले पहले जवान हैं। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनके सम्मान में अंडमान निकोबार के INAN-374 द्वीप का नाम पीरू रखा है। 20 मई 1932 को स्वतंत्रता सेनानी बिपिन चंद्र पाल का निधन कोलकाता में हुआ था। 1857 की क्रांति के बाद स्वतंत्रता की लड़ाई में पंजाब के लाला लाजपत राय, महाराष्ट्र के बाल गंगाधर तिलक और बंगाल के बिपिन चंद्र पाल की तिकड़ी ने गरम दल के विचार वालों का नेतृत्व किया था। अंग्रेजों की नींव हिला देने वाली इस तिकड़ी के बिपिन चंद्र पाल को क्रांतिकारी विचारों के जनक के तौर पर जाना जाता है। वह राष्ट्रवादी नेता होने के साथ साथ एक शिक्षक, समाज सुधारक, वक्ता, लेखक और पत्रकार के रूप में भी जाने जाते हैं। बिपिन चंद्र पाल ने स्वदेशी और विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार जैसे उपायों के जरिए देश में गरीबी और बेरोजगारी को कम करने की वकालत की। लाल बाल पाल की इनकी टिकड़ी ने 1905 में बंगाल विभाजन के विरोध में अंग्रेजी शासन के विरुद्ध आंदोलन किया, जिसे बड़े स्तर पर जनता का समर्थन मिला। श्री अरबिंदो ने बिपिन चंद्र पाल को राष्ट्रवाद का सबसे बहादुर मसीहा कहा था। 20 मई 1766 को मराठा योद्धाओं में अग्रणी मल्हार राव होलकर का निधन मध्य प्रदेश में हुआ था। मल्हार राव होलकर एक ऐसे योद्धा थे जिन्होंने मराठा साम्राज्य को महाराष्ट्र के बाहर भी स्थापित किया और गैर सैनिक परिवार का होकर भी सैन्य कौशल की मिसाल स्थापित की। 1728 में हैदराबाद के निजाम के साथ मराठों की लड़ाई में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही। उन्होंने अपनी छोटी सी टुकड़ी के दम पर निजाम को मिलने वाली मुगलों की रसद को रोक दिया, जिसके कारण निजाम को हराने में पेशवा को मदद मिली। इसके बाद पेशवा बाजीराव प्रथम मल्हार राव से बहुत प्रभावित हुए, उन्हें पश्चिमी मालवा का बड़ा इलाका सौंप दिया। मल्हार राव होलकर लगातार अलग अलग लड़ाइयों में हिस्सा लेते रहे। 1737 में दिल्ली की लड़ाई, 1738 में भोपाल में निजाम के खिलाफ युद्ध, पुर्तगालियों और महाराजा सूरजमल के विरुद्ध लड़ाई ने मल्हार राव होलकर को मराठा साम्राज्य में एक महान योद्धा के तौर पर पहचान दिलाई। अटक के पार तक मराठा साम्राज्य ध्वज पहुंचाना केवल मल्हार राव होलकर के बूते पर ही मुमकिन हो पाया। मल्हार राव होलकर होलकर वंश के संस्थापक थे। शिक्षा देश का गौरव है और RKDF यूनिवर्सिटी शिक्षा का उद्यम है। RKDF में सवारे अपना भविष्य, PhD MPhil करे अपने पसंदीदा विषय में, सर्टिफिकेट डिप्लोमा के 74 कोर्सेज। RKDF यूनिवर्सिटी, RKDF में सवारे अपना भविष्य, PhD MPhil करे अपने पसंदीदा विषय में, सर्टिफिकेट डिप्लोमा के 74 कोर्सेज केवल RKDF यूनिवर्सिटी में। RKDF यूनिवर्सिटी, RKDF में सवारे अपना भविष्य, सर्टिफिकेट डिप्लोमा के 74 कोर्सेज केवल RKDF यूनिवर्सिटी में। RKDF यूनिवर्सिटी, RKDF यूनिवर्सिटी में एडमिशन्स ओपन। RKDF यूनिवर्सिटी, भविष्य को लेकर परेशान है?
आरके देव यूनिवर्सिटी है इसका हल। पीएचडी एमफिल किसी भी विषय में, डिप्लोमा के अनेक अवसर है आरके डीएफ यूनिवर्सिटी में। एडमिशन्स ओपन। आरके डीएफ यूनिवर्सिटी, एजुकेशन ग्लोरिफाइज नेशन। 20 मई 1900 को सुमित्रा नंदन पंत का जन्म उत्तराखंड में हुआ था। सुमित्रा नंदन पंत हिंदी साहित्य में छायावादी युग के चार प्रमुख स्तंभों में से एक माने जाते हैं। इस युग को जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और राम कुमार वर्मा जैसे कवियों का युग कहा जाता है। पंत ने न सिर्फ प्रकृति के सौंदर्य को महसूस किया, बल्कि उस सौंदर्य को बड़ी ही खूबसूरती से सटीक शब्दों में संजोकर पाठकों के सामने प्रस्तुत किया। 1918 के आसपास वह हिंदी की नवीन धारा के प्रवर्तक के रूप में पहचाने जाने लगे। उनकी पहली काव्य संग्रह बीड़ा नाम के काव्य संग्रह में प्रकाशित हुई। इसके बाद उनकी कविताएं पल्लव में प्रकाशित हुई। 28 दिसंबर 1977 को दिल का दौरा पड़ने से सुमित्रा नंदन पंत का निधन हो गया। हिंदी साहित्य सेवा के लिए उन्हें 1961 में पद्म भूषण, 1968 में ज्ञानपीठ साहित्य अकादमी और सोवित्यलैंड नेहरू पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। 20 मई 2011 को पर्वतारोही प्रेमलता अग्रवाल माउंट एवरेस्ट फतह करने वाली सबसे उम्रदराज भारतीय महिला बनी थी। दो बेटियों की मां प्रेमलता अग्रवाल ने आज ही के दिन सुबह 9:35 पर दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट को फतह किया था। उन्हें पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया। दुनिया की सबसे ऊंची चोटी पर विजय प्राप्त करने से पहले प्रेमलता ने कड़ी मेहनत और अभ्यास किया था। उन्होंने 1 महीने से अधिक समय तक एवरेस्ट आधार शिविरों में चढ़ने और उतरने के अलावा हिमालय में 20,300 फीट ऊंचे द्वीप शिखर पर चढ़ाई का अभ्यास भी किया था। 20 मई 1498, भारत की खोज पर निकले पुर्तगाली नाविक वास्को डिगामा कालीकट तट पर पहुंचे थे। वास्को डिगामा समुद्र के रास्ते भारत आने वाले पहले यूरोपीय व्यक्ति थे। उनका उद्देश्य भारत में मसाले का व्यापार करना था। वास्को डिगामा 8 जुलाई 1497 को 4 जहाजों के बेड़े के साथ लिस्बन से रवाना हुए थे। वे कुल 3 बार भारत आए थे। 1524 की यात्रा उनकी आखिरी यात्रा रही। वास्को डिगामा की 24 दिसंबर 1524 को कोची में मलेरिया से मौत हुई थी।